देखो हमने जो बेटा बेसिक कुछ एनालिटीज हमने पढ़ ली थी, जैसे कि हम एक बार दोबारा आपको रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड हमने बेटा क्या पढ़ी थी, कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, ठीक है, ये पढ़ा था आपने। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सर आज वन जूम मीटिंग में लीव कर दीजिएगा क्यों बेटा आज थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे ना, आज तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, क्या हो गया? सर, वो थोड़ा सा लेट हो सर, मेरे को 4:30 मतलब कहीं जाना था सर, तो मैंने कितने बजे जाना है? अपना 4:35 सर 5:45 जैसे 5:30 का टाइम है, लेकिन मैं 5:45 ठीक है, तो 5:45 तक तो पढ़े, ठीक है। बॉट ओके सर, यस सर आई एम रेडी सर। 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था फिर, सेक 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास था कॉसेक थीटा, ओके, यही था कॉसेक थीटा। और सर लास्ट, मुझे कोई सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ लिख रहा हूँ ना, क्यों नहीं लिख रहा हूँ सर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा बेटा, इनसे आपको दिख रहा है क्या? है। नो सर, नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं सर कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। कैसे पॉसिबल है? 1 मिनट रुको, वेट करो। आप बताओ, सर अब यस दिख सर अब रहा है दिख रहा है सर। सर, चलो ठीक है। देखो तो बट ये हमने कल, हमने जो ये 6 एनिटीज थी, ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। मैंने आपको इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आज अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं पहले, इसके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा एनसीआर, देखो एनसीआरटी में एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, इफ साइन 3a, इफ साइन 3a इक्वल टू, आपको दिया हुआ है कॉस कॉस ए माइनस 26 डिग्री, ओके, ये बोल रखा है। और आपसे बोल रखा है यहाँ पर 3a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, ये आपका एनसीआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल तो आपको बेटा इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इसमें ए फाइंड करना है। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, देखो साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 है, तो अपन क्या करते हैं, हम इस साइन और कॉस को, या तो हम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें, या हम इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइन को मैं लिख देता हूँ, देखो ऐसे बोल दूं क्या, कॉस 90 माइनस 3a लिख दो बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये समझ में आया क्या? और इक्वल टू ये वाला पार्ट तो लिखता मैंने एज इट इज, ये समझ में आया बेटा स्टेप? पहले बताओ सबको समझ में आया ये स्टेप, यस सर, ठीक है, ठीक यस सर, है। तो कॉस 90 माइनस 3 आपका साइन 3। अब देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग, यदि आप कंपेयर करते हो इससे ऑन कंपेयरिंग, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, क्या बोलते हैं हम, 90 माइनस 3a मतलब एंगल एंगल के इक्वल हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री, हो जाएगा बेटा, बस सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 90 प्लस 26 इक्वल टू कितना, 4a, ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा, 4a इक्वल टू 116, 4a इक्वल टू 116, और a कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29 डिग्री। दिस इज द, 29 समझ में आया बेटा? ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके, यस सर, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 मार्क्स में आ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से बोलतेगा तो बेटा हमेशा आपको क्वेश्चन किस में मिलेगा, साइन कॉस में मिलेगा, या टेन कॉट में मिल जाएगा, या सेक कॉस में मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, सपोज आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कंपेयर कर लिया, तो आपको कंपेयर करके यहाँ से निकल के आ गया एंगल, समझ में आया बेटा? बहुत ईजी है, ठीक है, आगे बढ़े। मैं ये नोट्स आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। ये आपका यस एग्जाम्पल सर, नंबर 10 था एनसीआरटी का, एग्जाम्पल 10 था एनसीआरटी का, ठीक है बेटा आगे बढ़े, क्लियर? चलो यस सर, ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखना नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, ये भी आपका एग्जाम्पल 11 है एनसीआरटी का, एग्जाम्पल 11 है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है एक्सप्रेस एक्सप्रेस
cot 85 degree. Cot, ये हमने क्वेश्चन नाइन्थ में भी किया था, cot 85 degree plus cos 75 degree. Cot 85 plus cos 75 in terms of. सर ये ऐसे, सर ये इसका आंसर हो जाएगा 10 15, sorry 10 5 degree. 10 5 degree plus cos 15 sin 15 degree. हाँ सही है. देखो in terms of trigonometric ratio जो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, express this in terms of trigonometric ratios, in terms of trigonometric ratios of angles between, आपसे बोल रखा है of angles between, किस किस के बीच में बोल रखा है, angles between 0 degree and 45 degree. 0 degree and 45 degree. Okay. मतलब आपको इन दोनों angles को किस में express करना है, ऐसे angle में आना चाहिए जो आपका इन दोनों angles के बीच में lie करे. ठीक है बेटा, तो देखो कैसे कर सकते हैं, बहुत simple सा है. अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास है cot 85 degree, ठीक है, और plus cos 75 है, यही है बेटा. ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो ये 85 है इसको मैं क्या लिख दूं, 90 माइनस 5 लिख दूं, मिलेगा 85. ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास है cos, क्या लिख दूं बेटा, 90 माइनस 15 लिख दूं. अब यहाँ अप्लाई करता हूं आप आइडेंटिटी, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 5 डिग्री बेटा आ जाएगा. यहाँ से cos 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा, sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin 15 डिग्री. आ गया देखो बेटा आपका एंगल, अब देखो ये जो आपके दोनों एंगल है ये आपके 0 से 45 के बीच में लाई कर रहे हैं बेटा. दिस इज द आंसर. समझ में आया नहीं आया, कैसे हुआ बेटा सॉल्व, क्लियर, किसी कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, यस आ गया सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा. अब देखो एक्सरसाइज 8.3 के मैंने बेटा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने को दिए थे जरा बताओ मुझे. 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा सॉल्व, सेकंड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको दिए थे, साथ में एनसीईआरटी बुक आप बेटा रख के बैठा करो. आप हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको कराए थे कल फर्स्ट और थर्ड पार्ट, सेकंड और फोर्थ आपको करने थे, सॉल्व किए क्या बेटा सेकंड और फोर्थ? सर भूल गए सर, मैंने शीट का 28 30 30 तक कर लिया सर. मैं आपसे बाबा बोल रहा हूं ना सर, मैं बोल्ड है बेटा, बोल्ड है बेटा, इनसे आपने किए क्या, थोड़ा सा बेटा अपने को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बेटा बोर्ड पढ़ रहे हैं अपन. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ क्या, 2 सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा बेटा, रेगुलर करो सर. 1 हो गया था, सेकंड नहीं हुआ था. चलो ठीक है, तो सेकंड देखो, सेकंड देखो, देखो बेटा रेगुलर करना है बेटा अपने को. ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड है बेटा, आपको जरूरी है, रोज करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, तभी अच्छा हो पाएगा. देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन वन तो इसका हो गया था, बहुत इजी था. अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 पार्ट है, मैं आपको कोई सा एक पार्ट करा रहा हूँ, एक आपको करना है. ठीक है, देखो ऐसा करते हैं, इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ बेटा, सेकंड पार्ट आपको मैं करना नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा. देखो सेकंड आपको फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या, यहाँ पर देखना फर्स्ट पार्ट क्या बोल रखा है आपसे, यहाँ पर बोल रखा है 10 48 डिग्री. देखो आपसे बोल रखा है 10 48 डिग्री, ठीक है, साथ में बोल रखा है 10 23 डिग्री. ठीक है, और इसके बाद में रखा है आपको 10 42 डिग्री, 10 42 और 10 61. बेटा ये आपको क्या प्रूव करना है, ये आपको इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है. ओके ठीक है, तो देखो बेटा ये हमने किए थे, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किए थे बेटा. सही ये ऐसे हो जाएगा क्या, सर फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 42 डिग्री, फर्स्ट वाला cot 42. हाँ देखो देखो बेटा इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं बेटा, ध्यान से देखना कैसे अप्रोच करते हैं. देखो आपको ऐसा देखना है जिसमें आपको सम 90 मिल रहा हो, तो देखो बेटा 48 और 42, देखो बेटा आपको 90 मिल रहा है, सम 23 और 67 90 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इनके पेयर फॉर्म करोगे. तो कैसे,
टेन 48 डिग्री और टेन 42, इसको साथ में लिख लो बेटा, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, टेन 23 और टेन 67। हमेशा प्रोसेस फिक्स है बेटा, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, जिनका सर 90 और है ना उनको साथ में लिख लो। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट सेशन बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या करना है आपको। देखो 48 और 42 है ना, तो इसमें किसी एक को कन्वर्ट करना है आपको कॉट में, तो क्या कर दे, तो 48 है मैं तो बेटा क्या बोल दूं, 90 माइनस 42 लिख दो बेटा, मिलेगा 48, और इसको आप लिख दो 42। समझ में आया ये स्टेप, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर आपका 23 है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 10 90 माइनस 67 बोल दूं क्या, समझ में आया। और ये आपका 1067 आपका एज इट इज आ गया, ये समझ में आई बेटा स्टेप, इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ जरा यहाँ तक, समझ में आया तक? यस सर, आया सर। ठीक है, अब तो बस देखो 10 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा मतलब कॉट 42, ओके। और ये आपका 10 है तो 10 को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉट लिख दे, 1 अपॉन कॉट 42, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, बहुत इजी है। अब देखो 10 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 67, और ये 10 है तो लिख दो 1 अपॉन कॉट 67, सारे कैंसिल हो गए बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया आपका 1 आ गया, जो आपका RHS पार्ट था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, आया क्या समझ बेटा कैसे किया, कोई कंफ्यूजन, क्लियर बेटा? आ गया सर, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखना बेटा इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं कल करा दूंगा, पर आपको करना है, ओके बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट आप करना क्वेश्चन 2 का। अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आपको थर्ड भी करना है, आप होमवर्क नोट करते जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो हमने भी किया था वैसे क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखना ये भी इजी है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, देखो क्या बोल रखा है आपको, दिया हुआ है tan a equal to cot b, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ tan a इक्वल टू cot b दिया हुआ है, tan a इक्वल टू cot b, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, बहुत इजी है। आपको tan a इक्वल टू cot b दिया है बेटा, tan a इक्वल टू cot b दिया हुआ है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोल रखा है tan a इक्वल टू cot b। हम जानते हैं tan और cot आपस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो आपको दिया, देखो ये tan a इक्वल टू cot b है बेटा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ऐसा बोल दूं क्या, यहाँ ध्यान से देखना, हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे अपने पास tan a है, tan a है, इस cot b को, इस cot b को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा बोल दूं क्या, tan 90 माइनस बी बोल दूं क्या बेटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ये समझ में आया क्या स्टेप, होता है क्या ऐसा, लिख दूं क्या cot b को, हम बोल रहे tan 90 माइनस बी, ठीक है। अब तो क्या करोगे बेटा, आप बोथ साइड से कंपेयर कर लो, अब यहाँ पर एंगल a है, a इक्वल टू 90 माइनस बी, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका शो हो गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये शो हो गया, समझ में आया, इजी था, कोई कंफ्यूजन पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आया? नो सर, आ गया समझ में, हाँ चिन में समझ में आया? यस सर, हाँ सर आ गया, इजी था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, ये इजी है, आपसे बोल रखा है इफ sec 4a, इफ sec 4a इक्वल टू cosec, ये आपसे बोल रखा है cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और आपसे बोल रखा है आपके पास 4a एंगल है, तो बेटा आपको इसमें a फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, देखो sec और cosec में आपको पता है रिलेशन होता है, तो देखो हम पहले हम लिखते हैं आपको क्या बोल रखा है, sec 4a इक्वल टू अपने पास है cosec a माइनस 20 है बेटा, ये देखो sec 4a है ना, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, cosec
90 - 4a लिख दो बेटा, हम जानते हैं cosec 90 - थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, और इसको लिख दो एज इट इज, ये आपका आ जाएगा एज इट इज cosec a माइनस 20। ये समझ में आया बेटा, लिखते हैं क्या इस तरीके से, ये बताओ स्टेप हो जाएगा ऐसा, कोई कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है बस अब तो लिख दोगे आप? यस सर। ऑन कंपेयरिंग, तो बेटा देखो एनसीईआरटी में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग क्या आ जाएगा 90 - 4a किस इक्वल आ जाएगा, a माइनस 20 के इक्वल आ जाएगा, थोड़ा शिफ्ट कर लोगे आपस में तो ले हो जाएगा 90 + 20 a + 4a कितना 5a आ जाएगा। ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 110 = 5a, यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 22 डिग्री, 22 डिग्री ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा, कोई कंफ्यूजन पूछ लो इसमें। ठीक है आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्लियर? यस सर। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो बेटा, देखो सिक्स में क्या बोल रखा है, एक बार सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना, सिक्स में आपको क्या बोल रखा है, एक बार क्वेश्चन में आपको सिक्स लिख रहा हूं बेटा, यहां पर आपसे बोल रखा है इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, ये आपको बोल रखा है आर इंटीरियर एंगल्स, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है तो आपको शो करना है, आपसे बोल रखा है देन शो दैट, आपको शो करना है देन शो दैट, क्या शो करने के लिए बोला है, इसने आपसे बोला है साइन, साइन ब्रैकेट में बोला है बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, ये आपको शो करना है कॉस ए अपॉन टू, कॉस ए अपॉन टू, ये क्वेश्चन है। ठीक है देखो बहुत इजी है बेटा, इसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रखा है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, ये देखो आपसे बोल रखा है। देखो आप किस इसको स्टार्ट करोगे, सिंस आपसे क्या बोल रखा है, सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, आपको रखा है आर इंटीरियर, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो बेटा हम क्या बोल देंगे, यदि आपके ये एंगल्स हैं ए बी सी के, तुम क्या बोल देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, आएगा बेटा ऐसा, ये हो जाएगा। ठीक है तो यहां से मैं और क्या बोल सकता हूँ, यदि मैं ऐसा लिख दूं कि एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, इसको हम अभी फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है अब देखो आपको शो करना है, ये करना है शो, तो यहाँ से मैं इस LHS पार्ट को पिक करता हूँ, मेरे पास LHS पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास है साइन बी प्लस सी अपॉन टू, है बेटा साइन बी प्लस सी अपॉन टू, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ बी प्लस सी की, तो देखो बी प्लस सी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 180 माइनस ए, लिख दो बेटा, ये समझ में आई क्या स्टेप, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो। नो सर। ठीक है हाँ चिन्मय कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? नो सर। यस सर। बहुत इजी है, अब तो थोड़ा इसको सेपरेट कर लो, जैसे साइन 180 अपॉन टू, ठीक है, और माइनस ए अपॉन टू कर लिया हमने सेपरेट, यहाँ से क्या आ गया, ये आपका आ गया साइन, ये तो हो गया 90 माइनस ए अपॉन टू, अब तो हो गया प्रूफ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो बेटा क्या आ गया, क्या आ गया कॉस ए अपॉन टू, ये आपका RHS पार्ट आ गया, हो गया बेटा सो, समझ में आया कैसे हुआ सॉल्व, आपने क्या किया b + c में आपने पुट कर दिया 180 माइनस a, सेपरेट कर लिया साइन 90 माइनस a अपॉन, यस सर, कॉस a अपॉन टू, क्लियर बेटा, समझ में आ गया, ओके तो देखो यस सर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपको करना है वही सेम क्वेश्चन जो हमने किया था वैसे क्वेश्चन है, तो पहले आप इस एक्सरसाइज के मैंने आपको होमवर्क क्या दिए हैं, आप होमवर्क नोट कर लो, क्या होमवर्क दिए मैंने आपको, ये 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का देखो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 था और आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7, ये करना है आपको,
क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन करना है सक्सेस के, ये आपकी 8.3 कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ओके सर, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ओके, बहुत इजी है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, ठीक है? फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बोर्ड के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, देखो देखो अपन कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जो आपके बोर्ड के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कराता हूँ। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको करना है इवेल्युएट, बहुत इजी है ये, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन इवेल्युएट। इसमें आपसे बोल रखा है साइन 70 डिग्री, डिवाइड में आपके पास है कॉस 20 डिग्री, ओके, फिर प्लस, फिर है अपने पास कोसेक 36 डिग्री, डिवाइड में है सेक 54 डिग्री, ओके, फिर है माइनस के साथ टू कॉस 43 डिग्री, नेक्स्ट है कोसेक 47 डिग्री, कोसेक 47 डिग्री, डिवाइड में आपको बोल रखा है टेन डिग्री, ठीक है, फिर है टेन फोर्टी, और आपके पास है टेन फिफ्टी और मल्टीप्लाई में है 1080। ओके, ये क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड में। देखो ये तो हमने कल देखा था बेटा, मुझे बताओ पहले जो ये फर्स्ट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 70 अपॉन कॉस 20, क्या आएगी इसकी वैल्यू बताओ सोच के, साइन 70 अपॉन कॉस 20 कितना आएगा, आपको देख के आना चाहिए इसकी वैल्यू सर। 1 सही है, 1 आएगी ना, तो कितना लिख दूंगा 90-20 लिख दूंगा, आपका डिवाइड में क्या आपका कॉस 20 है, ठीक है, ऐसे इसको कर दो, कोसेक और सेक आपस में चेंज होते हैं, और देखो 90 आ रहा है तो कोसेक है, तो क्या लिख दूं बेटा 36 है, तो क्या बोल दें 90-54, ठीक है, और डिवाइड में आपका ये आ रहा है sec 54, आगे करें माइनस, यहां से देख लो, अब इसमें और देखो बेटा, इसको ऐसे कर दो, cos 43 को लिख दो ऐसे कैसे ही, और जो cosec है ना इसको हम ऐसे लिख दें, देखो cosec है ना 47, 90-43 होगा 47, ये आ गया, अब डिवाइड में है, तो ये बताओ बेटा इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 है, 40 है, 50 और 80 है, कैसे करें इसको सॉल्व, सोचो बताओ सर, अपन पेयर्स बना देंगे 10 और 1080 के और 1040 और 1050 के, सही है, सही है बेटा, करेक्ट, वेरी गुड, ऐसे करेंगे। देखो बेटा क्या करेंगे अपन, इस 10 और 80 को हम साथ में लिख देंगे बेटा, लिख देंगे, और क्योंकि देखो बेटा आप देखना है जिसका सम 90 मिल रहा है उनको साथ में लिख दो, तो क्या करोगे 10 और 80 को साथ में आ रहे हैं ना, तो इसमें किसी एक को कन्वर्ट कर दो, हम क्या कर दें कि 10 को मैं लिख देता हूँ क्या 90-80 लिख दूं बेटा, ठीक है, 40-50 है तो इसमें किसी एक को कन्वर्ट कर दो, हम 40 को क्या लिख दें बेटा 90-50 लिख दें 40 को, ठीक है, आगे देखो जो 50-80 उनको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि आप दो को आपने कन्वर्ट कर ही दिया, तो ये 50 और 80 को आप साथ में लिख दो, ये समझ में आया बेटा स्टेप, जिन दो का सम 90 आ रहा है उसमें किसी एक को कन्वर्ट करना है और एक को आपको ऐसे लिख देना है, तो आपने को 1080 है ना, 10 को आपने कर दिया, ये और ये है तो इसमें आपने 40 कर दिया, समझ में आ रहा है बेटा, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, नो सर, अब देख लो बेटा, अब तो इजी हो गया, साइन 90-थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कितना आ गया कॉस 20 डिवाइड कॉस 20 तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, कोसेक 90-थीटा ये कितना हो जाएगा sec थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा sec 54 डिवाइड sec 54 आ जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ से देखो माइनस 2 ये तो आपका पार्ट आ गया एज इट इज cosec 43, यहाँ से देखो cosec 90-थीटा कितना होता है, सॉरी ये आपका cos है, ये आपका cos 43 है, अब देखो बेटा cosec 90-थीटा कितना होता है बेटा sec थीटा होता है,
तो लिख दूंगा क्या sec 43 डिवाइड में देख लो अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, ये कितना आ जाएगा cot 80 आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा अगेन cot थीटा तो ये आपका cot 50 आ जाएगा, आ जाएगा। बाकी इनको कॉपी कर दो एज इट इज, क्या क्या tan 50 और tan 80। ओके अब देख लो तो बहुत इजी हो गया, देखो ये से कैंसिल हो गया वन आ गया, ये से कैंसिल हुआ वन आया, तो अपने देखो अपने पास क्या आ गया वन प्लस वन माइनस, देखो बेटा कॉस क्या होता है वन अपॉन sec, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे कैंसिल, तो यहाँ तो टू बच जाएगा। यहाँ से देखो cot वन cot है 80 और tan 80 ये आपस में कैंसिल होंगे, cot होता है वन अपॉन टेन और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया बेटा कैसे किया, बताओ जरा मुझे कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो। नो सर। समझ में आ रहा है, हाँ चिन्ह में समझ में आया क्या कैसे किया? ठीक है बस अब तो ये हो गया सॉल्व, यहाँ से कितना आ गया 2 माइनस 2 कितना आ गया, इसका आंसर 0 आ गया, 0 इज द आंसर, इस तरह सॉल्व हो गया। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन? ठीक है आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट अपने पास है, हाँ देखो अपन देखो ऐसे ही को कुछ करते हैं, बट आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको मिलेंगे क्वेश्चन। आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें बोल दिया आपसे देखो ये रखा है, ये हमने पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, टेन वन डिग्री, फिर आपके पास है टेन टू डिग्री, फिर है टेन थ्री डिग्री। ओके इस तरह से आपको लास्ट तक दिया हुआ है, कहां तक टेन 89 तक। ठीक है तो बताओ कैसे करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोच के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोच के बताओ। हाँ क्या आएगा चिन्ह, मतलब बताओ ना क्या, अरे बहुत सिंपल है, हाँ बेटा इनसे आप सोच के बताओ क्या आना चाहिए इसका, अरे बहुत इजी है देखो, वही सेम देखो वही सेम प्रोसेस है, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, देखो टेन वन डिग्री ठीक है, टेन टू डिग्री, आगे चले टेन थ्री डिग्री, ये आपका चलता जाएगा ठीक है, लास्ट में एक आपका बीच में आएगा टेन 45 आएगा बेटा, फ्री आपका चलेगा कंटिन्यू, लास्ट में आपके पास क्या आएगा देखो मैं स्पेशल लिख दूं क्या, टेन 87, फिर आ जाएगा टेन 88 और फिर आ जाएगा टेन 89, आएगा बेटा ऐसा, ऐसा आएगा क्या, लिख दूं मैं इसको इस तरीके से। अब देखो वही सेम प्रोसेस है, इस वन को और 89 को साथ में बोल सकते हैं क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है बेटा 90 आ रहा है, तो लिख दूं साथ में क्या लिख दूं टेन वन और टेन 89, ये समझ में आ रहा है क्या स्टेप बेटा कैसे कर रहे हैं, फिर क्या कर सकते हो ये 2 को और 88 को लिखते हैं साथ में क्योंकि इनका सम कितना बड़ा, देखो 90 आ रहा है अगेन, तो अपन क्या लिख दें tan 2 डिग्री और साथ में tan 88 डिग्री लिख दें, फिर क्या कर सकते हो इस 3 को और इसको साथ में लिख दो, मतलब tan 3 डिग्री और साथ में tan 87 डिग्री, इस तरह से आपका चलता जाएगा और आपका एक और क्या बचेगा 1045। समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को तो पहले पूछ लो मुझे। नो सर नो कंफ्यूजन। समझ में आ रहा है इंसिया, समझ में आया बेटा इंसिया, बताओ कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो। अब देखो अब तो बहुत इजी है बेटा, 1 और 89 हम जानते हैं आपस में कैंसिल होंगे, कैसे बोल सकते हो क्या, उनको मैं क्या लिख दूं 90 माइनस 89 लिख दो बेटा, और ये आपका आ गया एज इट इज 89 आ गया ठीक है, 2 है तो क्या लिख दूंगा 10 90 माइनस 88 लिख दूंगा बेटा, और ये आपका 88 ये आ गया एज इट इज ठीक है, होगा बेटा इस तरीके से, समझ में आ रहा है क्या, 10 3 है क्या लिख दूंगा 90 माइनस 87 और ये आपका 87 ये आ गया एज इट इज आ जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है क्या, और ये आपका 45 बट ये तो होता है 1। अब देखो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका cot 89 आएगा क्या, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है cot थीटा, cot 89
इस टेन को मैं क्या बोल सकता हूँ, लिख दूं वन अपॉन कॉट 89 आ जाएगा। आगे चलते जाओ अगेन, ये कित क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉट 88 हो जाएगा, और टेन क्या है वन अपॉन कॉट कॉट 88 हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अगेन देखो टेन 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा कॉट 87, और टेन है वन अपॉन कॉट 87 हो जाएगा, और ये आपका लास्ट में वन मिल ही रहा है। सब कैंसिल होगा आपस में, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया, वन आ गया। समझ में आया नहीं आया, बताओ जरा मुझे, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया बेटा? हाँ चिन्ह में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो इस पर बेस्ड, और ये आपका सीबीएसई 18 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप 2018 में आया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, देखना जरा क्वेश्चन, बहुत इजी है। इसमें आपसे बोल रखा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो इसमें आपसे बोल रखा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, ये आपसे बोल रखा है प्रूव दैट, और आपसे प्रूव करने के लिए बोला है, ये आपका बेटा स्क्वायर रूट में है, आपको प्रूव करना है स्क्वायर रूट में tan a tan b, tan a tan b, tan a tan b plus tan a cot b, plus tan a cot b, okay, divide में अपने पास है, ये पूरा आपका स्क्वायर रूट में ही है, sin a sec b, ये भी आपका रूट में ही है बेटा, sin a sec b, और इसके बाद में आपको इस रूट के अंदर और क्या बोल रखा है, माइनस में है साइन स्क्वायर बी और डिवाइड में है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपको इसके इक्वल आपको प्रूव करना है टेन ए, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, आपको दे रखा है ए प्लस बी 90 के इक्वल, आपको क्या दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो यहां से यदि मैं निकाल दूं बी की, तो बेटा बी कितना आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा 90 माइनस ए आ जाएगा बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस LHS पार्ट में जहां जहां P आ रहा है ना, वहां आप क्या करोगे 90 माइनस A पुट कर देंगे अपन, देखना ध्यान से। तो देखो ये हमारे पास LHS पार्ट है इसका बेटा, ये अपना LHS पार्ट अपन ले रहे हैं, देखो सबसे पहले tan है तो आपका आ गया एज इट इज, ठीक है, देखो tan B है तो B को हम क्या पुट कर रहे हैं 90 माइनस A कर दूं पुट, ठीक है, आगे बढ़े फिर अपने पास आगे क्या है बेटा tan A cot B है ना, तो tan A और cot B, अगेन B को आप क्या पुट कर दोगे 90 माइनस A, ये समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं, ये हो गया, डिवाइड में देख लो, डिवाइड में क्या अपने पास sin A sec B, तो sin A आपका ऐसे ही आ गया, sec B है तो अगेन D को आप क्या पुट कर दो 90 माइनस A, ठीक है, माइनस ऐसे यहां पर देख लो sin स्क्वायर B है तो sin स्क्वायर B, B मतलब 90 माइनस A कर दें पुट, और डिवाइड में अपने पास क्या है cos स्क्वायर A, ये समझ में आएगा बेटा स्टेप जो हमने यहाँ पर किया, ये समझ में आया नहीं आया स्टेप बताओ पहले, yes, sir. ठीक है, अब देख लो थोड़ा सॉल्व कर दें इसको आगे, तो देखना करते हैं सॉल्व, देखो tan A, tan A, tan 90 माइनस A बेटा कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, लिख दूं cot A, ठीक है, आगे बढ़े ये आपका आ गया tan A, अगेन cot 90 माइनस A, ये आपका tan A आ गया बेटा, ठीक है, डिवाइड में देख लो क्या आएगा, डिवाइड आपके पास आ जाएगा sin A, ठीक है, sec 90 माइनस A क्या होता है cosec A होता है, तो ये आपका cosec A आ जाएगा, माइनस इसमें देखो आगे sin 90 माइनस A क्या होता है cos A होता है, तो स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर A आ जाएगा, और डिवाइड आपके पास cos स्क्वायर A था इसे ही पहले से। अब देखो बेटा tan और cot आपस में कैंसिल होंगे क्या, tan हम जानते हैं tan क्या होता है 1 upon cot, ये कैंसिल होंगे आपस में होंगे, और देखो cosec क्या होता है 1 upon sin, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा देखना, अपने पास क्या बचेगा बेटा 1, ये तो बना जाएगा प्लस tan, tan क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 ही बच जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ में आएगा बेटा स्टेप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास कुल मिला के क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या आ रहा है रूट में आ रहा है टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया टेन ए के इक्वल, जो आपको प्रूव करना था आर एच एस पार्ट में। समझ में आया क्या बेटा, बताओ जरा मुझे कहीं कुछ पूछना हो तो। समझ में आया नहीं आया बताओ। यस सर। हाँ चिन्मय। यस सर आ गया सर। आ गया बेटा, ये बेटा आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट पूरा हो गया, अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आज ही स्टार्ट कर देंगे बेटा आइडेंटिटीज वाला पार्ट, थोड़ा सा पढ़ लें क्या उसका, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। हाँ अब मुझे बताओ कि आपने शीट में कहाँ तक कर लिया बेटा क्वेश्चंस, उनको जरा जल्दी कंप्लीट कर लो, तो वो मैं आपको देखो अपने शीट जो है ना वो अपन थर्सडे को डिस्कस करेंगे, तो आप थर्सडे तक वो शीट कंप्लीट करनी है पूरी, जो जो प्रॉब्लम होगा उसको थर्सडे को डिस्कस करेंगे, तो बेटा कितने क्वेश्चंस हो गए उसके सर? हाँ बेटा इनसे आपके कितने हो गए सर? पूरे हो गए। हो गए बेटा पूरे, वेरी गुड बेटा। चिन्ह में आपके, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लो, थर्सडे को अपन उसकी शीट डिस्कस करेंगे, अभी फिर मैं आपको नेक्स्ट शीट दूंगा फाउंडेशन लेवल की, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बोर्ड लेवल की है, वो आप शीट कर लोगे और आप एनसीईआरटी कर लो, आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है, तो कल हम, ठीक है अपन कल करते हैं, कल अपन इसका लास्ट टॉपिक जो बच रहा है बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम उठाएंगे, ओके बेटा, ठीक है, तो कल करते हैं। yes, तो आपको क्वेश्चन मैंने आज करने को किए ना एनसीईआरटी के, वो आप क्वेश्चन आप आज इसको सॉल्व कर लेना, ओके, रिमेनिंग हम कल करते हैं। yes, मैं इसके नोट्स अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप नोट्स कॉपी कर लेना, ठीक है ना, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, थैंक यू सर, वेलकम।